हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन से जानकारी को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो कब होगा। आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज में हैं अभी भी कि उनका जो है सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का दोनों एग्जाम जो है कब होगा। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे डिटेल से, हर एक कोर्सेज का बताएंगे कि कब आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि एसएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप एसएल के वेबसाइट पर जो कि sol.du.ac.in है, तो इस पर आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको एग्जामिनेशन से जानकारी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब है और कब होगा। इस चीज़ को लेके कोई भी ना तो टेंटेटिव डेट शीट जारी किया गया है, ना कुछ इस पर डिटेल दिया गया है। तो बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेके हमसे सवाल पूछे कि उनका जो एग्ज़ाम है अलग अलग कोर्सेज़ का वो कब होगा। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है इसको लेके जो है कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है एसएल की तरफ से, लेकिन हमने जो है जो DU की तरफ से DU के रेगुलर कॉलेज का जो टेंटेटिव डेट शीट जारी किया गया है एसओएल के लिए भी, तो उसको लेके हमने जो है पहले भी वीडियो बनाया था इसको लेके कि आपका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव यानी कि इस दिन इस समय जो है इस महीने में इस दिन हो सकता है आपका एग्ज़ाम, यहाँ इस दिन से शुरू हो सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखें, वो उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है कि कब जो है ऑनर्स कोर्सेज का एग्ज़ाम जो है हो सकता है, बाकी प्रोग्राम का कब हो सकता है, ये सब उसमें हमने डिटेल से समझाया गया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके जरूर देखें, वो उस वीडियो में सारा डिटेल में बताया गया है कि कब से जो है आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर भी बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम जो है, चाहे आप ऑनर्स कोर्सेज से जो है सेकेंड सेमेस्टर से हो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर से हो ऑनर्स कोर्सेज, क्योंकि दोनों का जो एग्ज़ाम है वो हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया गया है कि दोनों का एग्ज़ाम जो है साथ में ही होगा आपका, और दोनों का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का देना होगा। तो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 मई से टेंटेटिव डेट से जारी किया गया है, उसमें 15 मई से दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। बाकी अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग समय है, प्रोग्राम का जो है वो मई लास्ट तक जो है शुरू होगा। बाकी यही है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो तो भी आपका जो है मई लास्ट में ही शुरू होगा, और ऑनर्स से हैं अगर आप बीकॉम ऑनर्स से हैं तो आपको जो है 15 मई तक स्टार्ट हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है। कुछ पहले भी इसमें ये कोई कंफर्म डेट शीट नहीं है, लेकिन इसमें जो है बदलाव हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो है यही डेट शीट आपका रहने वाला है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अलग अलग कोर्सेज़ का और अलग अलग सब्जेक्ट का जो किस दिन हो सकता है आपका एग्ज़ाम। बाकी एसओएल की इस वेबसाइट पर जो है कोई अपडेट नहीं किया गया है। तो यही था इन्फॉर्मेशन आज का कि आपका जो एग्ज़ाम है वो या तो मई में होगा या तो जून में होगा, और दोनों सेमेस्टर का एक साथ में होगा। अगर आप बीए प्रोग्राम से हैं तो आपका जो है मई लास्ट में और जून में या जून में हो सकता है, लेकिन आप अगर ऑनर्स कोर्सेज से हैं, चाहे आप किसी भी ऑनर्स से हो, चाहे इंग्लिश ऑनर्स से हो, चाहे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स से हो, तो आपके लिए यही न्यूज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में ही हो जाएगा, 15 तक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोग्राम के छात्र हैं तो मई लास्ट में या जून में आपका जो है शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाएगा पेपर, दोनों फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का। तो आप अच्छे से अभी से ही तैयारी कर लें। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत होता है किसी चीज़ में तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बाकी यही था, बाकी आप जो है डेट शीट के लिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो पहले वाला वीडियो जो है हमने जो बनाया है वो ज़रूर जाके देखें। बाकी यही इन्फॉर्मेशन था आज का। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मालूम चल पाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।